रिएक्शन देखो, XeF6 में ही रिएक्शंस कंटिन्यू करो। चेक करना तो शायद ये सब रिएक्शंस पहले नहीं बताए थे। अमोनिया के पता है क्या? नहीं ना, है ना? ठीक है, ये भी चाहता था डिकम्पोजिशन। XeF2 एंड XeF4 डू नॉट डिकम्पोज। ठीक है, अच्छा ये सब बता दिया था ना BF3 के साथ, ये सब बता दिया था ना ये सब। ये सब बता दिया था। मेरे ख्याल से देखे ना, ऐसा बता दिया होंगे शायद। कुछ कुछ बताए थे इसमें से। हाँ ठीक है, इस बार कंप्लीट ही कर लो, मुझे याद नहीं है। क्लास चल रहा है अभी। थोड़ा जल्दी कॉपी करो, थोड़ा जल्दी कॉपी करो। क्या हो रहा है? थोड़ा जल्दी कॉपी करी। सर ये पहला स्लाइड है। हाँ पहला स्लाइड है, जल्दी कॉपी करो। एक सेकेंड। जल्दी करना, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, जल्दी खत्म करेंगे फिर शॉर्ट एनालिसिस में जाएंगे। अच्छा XeF4 का भी लिख लो, तो ये तो XeF6 का हो गया। XeF4 का शायद ये नहीं लिखा, लिख लो तो। ये XeF4 जहां लिखे थे ना उसके रिएक्शंस ऐड कर लो, तो BCl3 के साथ।
ठीक है। चलो अब चलते हैं इसमें, एक्सी ओ थ्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री। सर ज़ीनॉन का फ्लोराइड जोड़ का और कोई हैलाइड नहीं होता है? नहीं, पिरामिडल शेप। ठीक है, ये एक्सी ओ थ्री का मालूम होगा, कलरलेस सॉलिड, एक्सप्लोजिव, ठीक है। एक्सी ओ थ्री का एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको सोडियम जिनेट बोलते हैं, और सोडियम जिनेट जो है ये बेसिक सॉल्यूशन में डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है। इसको बोला जाता है जीनिक एसिड। अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है? डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है, सर वो सोडियम के बाद क्या लिखा है? सोडियम जिनेट XENAP। सर जेनिक एसिड रिएक्शन में नहीं है? नहीं नहीं रिएक्शन में नहीं, वो अलग से उसके बाद बोला। जेनिक एसिड का एक एच प्लस निकला है तो वही बन गया है एच एक्सी ओ फोर माइनस एन एच एक्सी ओ फोर। चलो हो गया। हाँ सर ना, ये बात खत्म होने दो, फिर कुछ चीजें बताऊंगा, बस होने दो खत्म। अच्छा एक्सी ओ फोर भी एस पी थ्री टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक्सप्लोजिव, हीट करने पे डिकम्पोज कर जाता है।
ये सब आना चाहिए ठीक है, मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग में ये सब। पीपाई डीपाई बोले आप, प्रिपरेशन Na4 XeO6 को H2SO4 के साथ ट्रीट कर दो, XeO4 मिल जाएगा। हो गया सर, हो गया। एक मिनट सर, सर XeO3 का डिकम्पोजिशन नहीं होता ना? नहीं, XeO4 थोड़ा अनस्टेबल, XeO3 का नहीं होता। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा बाकी सब रिएक्शंस खत्म, ये सब आता है ना, इसका कैसा शेप होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है ना, ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सब तो आता ही होगा। sp3 होता है, शेप भी बताएगा तो कैसा रहेगा, लोन पेयर किस पोजीशन पर रहेगा, ट्रांसपोजिशन पर, ठीक है। अच्छा पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी आता होगा, पहली बार जाएगा तो क्या लगेगा, एक ऑक्सीजन लग जाएगा। हाँ और फिर दूसरी बार करोगे तो क्या लगेगा, ये सब मतलब रिएक्शन बहुत बार कर चुके हो तो याद ही हो जाना चाहिए। हाँ ये सब खत्म हो गया है, मतलब इसमें अब कुछ बचा नहीं। हाँ XeO4 प्लस H2 लिख लो, सेम है यार भाई, H2 तो सबके साथ यही बना रहा है, Xe प्लस H2O प्लस HF। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा इसमें मैं थोड़ा यूजेस भी बता देता हूँ नोबेल गैसेस का, क्योंकि तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ू? यस। क्रिस याद नहीं आ रहा है, शायद दो स्लाइड होगा। चल फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स याद ही रखो, याद रखो। वो खुद ही बहुत लिक्विफाई करने में मुश्किल है। मतलब सब लिक्विड नाइट्रोजन जैसा ना, मतलब बहुत ठंडा होता है। हाँ इसीलिए, और भी है उसमें वैसा, उतना आसान वाला पार्ट नहीं है, थोड़ा आएगा इसलिए याद रखो। मतलब उतना छोटा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ऐसी इतना सारा चीजें यही पूछे गए थे। तो ये हो गया। Yes. आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स नोट कर लो, तो I5- ये सब स्ट्रक्चर्स अलग से। ये बेसिकली I-2I2 है। स्ट्रक्चर्स नोट करते जाइए।
अच्छा ICl3 मालूम है डाइमराइज करता है, लेकिन बताया था ना स्ट्रक्चर, इसका भी नोट कर लो। हो जाए तो बोला। एक सेकंड हाँ रुको, एक चीज ये भी लिख लो इम्पोर्टेंट, याद आया मुझे, एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ये लिख लो बस। हैलोजेंस सर आपने लिखा है सर शायद से? नहीं नहीं उसका एक्सप्लेनेशन ही लिखाया हूँ, मतलब मैंने सिर्फ कलर बता दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन ही लिखाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वही उसका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा ये जान लो, कभी कभी पूछ देता है। लिखो सर, ये जानते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में होमो और लूमो? हाँ सर जानते हो, तो उसका एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, अगर मैं F2 का बनाऊं या किसी भी हैलोजन का, बात तो एक ही है बस वो अंतर हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, दिस इज HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ये सिग्मा स्टार है स्टार है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का कलर का कारण है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन करता है, बिल्कुल अभी अभी और बताना है। कॉपी करो इसको,
ठीक है। अच्छा तो इसका कारण देखो क्या है, सिंपल सा कारण है, आगे बढ़ रहा हूं। लिखिए ये जो एनर्जी गैप है, डिफरेंस इन एनर्जी, बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स? सिग्मा सन और पाई। हाँ ये इनके बीच में जो डिफरेंस है ना डिक्रीजेस, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इसका होता है ये, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा, तो बेसिकली सबसे ज्यादा वायलेट लाइट जैसे एब्जॉर्ब करता है, हाई एनर्जी वाला है ना, और उसी लिए अपियर होता है पीएल येलो। लिख दो इसको, सर एनर्जी अब्सॉर्ब, हाँ एक सेकंड, एनर्जी जो है वो वो घटने से क्या होता है, मतलब बढ़ने से, जैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर, हाँ जैसा कलर में किए थे, याद आया कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किए थे ना, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट। रिकॉल करो जिसमें लोअर एनर्जी रहता है उसको एक्साइट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, उसमें अब्सॉर्ब्ड लाइट का लैम्डा होता है, फिर हाँ अब्सॉर्ब लाइट जिसका वेवलेंथ कम है वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, वेवलेंथ इनवर्सिव पोजीशन, एनर्जी हाई चाहिए, तो व्हाइट लाइट गिरेगा तो उसमें से वो जो लाइट जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो जो व्हाइट में से जो लाइट बाहर जो एब्सॉर्ब कर लिया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई पड़ेगा। क्या समझा? तो लैम्डा अब्सॉर्ब के लिए देखेंगे ना। हाँ ओके, खैर कीवर्ड फिर से यही है, आपसे रीजन पूछेगा तो इतना कहानी नहीं पूछेगा, पूछेगा डिफरेंस क्या है, तो आपको बस ये कीवर्ड याद रखना है, एनर्जी गैप, बस ये जो मैंने पहला पॉइंट, हर में सिर्फ कीवर्ड ही है यार, ये बात आपको याद रखना है। बाकी नहीं पूछने वाला। हो गया, नोट कर लिए। awesome.
अच्छा I2Cl6 के बारे में जहाँ लिखे तो मैं बताना भूल गया उसका, वो लिख लो सर, स्ट्रक्चर तो बता दिया हूँ उसके बारे में, ये लिख लो ब्रिज बॉन्ड्स लॉन्गर, ये लिख लो और ये प्लेनर है, ठीक है। लेंथ भी अगर जहां मार्क करना है मार्क कर ही लो, अगर मैं बताना भूल गया था, ICl3 का डाइमर से बनता है, ये अप्रोक्सीमेटली 2.38 है और ये 2.70। अच्छा कुछ ऑटो आयनाइजेशन वाले लिख लो, मैंने पहले कुछ बता दिया है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूं। और भी देख लेना, मैंने बता दिया था कौन कौन इसमें ऐड करना है, लिक्विड N2O4 भी देख लेना एक बार और SO3। अरे एक मिनट, आगे बढ़ूं? यार ये I5+ का स्ट्रक्चर नोट कर लेना, इसका पता नहीं बड़ी अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा रहा है मुझे, एक बार लोगों को होगा तो बताऊंगा। जेड शेप स्ट्रक्चर है यार इसका, पता नहीं क्या है, देखता हूँ इसमें कैसे बना I5+ बड़ी जेड शेप स्ट्रक्चर। अच्छा इधर ध्यान दो, अब जो बोल रहा हूं ये पी ब्लॉक पूरा खत्म हो गया है। पढ़ाई करने का तरीका एक बार सुन लो कैसे करना है, अगर ज्यादा वास्ट लग रहा हो मतलब एक्सटेंसिव, बहुत एक्सटेंसिव नोट्स है, अगर ये नहीं हो पा रहा हो तो ऐसे करना, एनसीईआरटी उठाना, एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई हैं देख लेना, जैसे मान लो उसने बोरैक्स मेंशन किया तो मेरे नोट से बोरैक्स पढ़ाई कर लेना, अगर उसने मेंशन किया है सल्फर में कुछ भी जैसे फॉस्फाइन मेंशन ही किया बस, तो नोट से फॉस्फाइन पढ़ाई कर लेना, समझा, अगर कर सकते हो तो ऐसे कर लेना। जैसे उसने अगर कुछ भी मेंशन किया SO3 मेंशन किया, बहुत सारा चीज तो मेंशन नहीं करेगा जो मैंने दिया है, तो पहले ऐसे कवर अप करना ताकि इससे एनसीईआरटी भी हो जाएगा और नोट्स भी हो जाएगा, तो एनसीईआरटी तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ही। सर आप एक बार सारे मतलब जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वैसे टॉपिक्स बता सकते हो? हाँ वो देखो, वो ये वाले हैं, देखो बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वाले अगर देखे जाएं तो ये एक बार सुन लो पहले, नोबल गैसेस मेरे नोट से ही करना, एनसीईआरटी तो है ही बट नोबल गैसेस आई विल सजेस्ट
एनसीईआरटी तो मैं कवर अप कर ही रहा हूँ, उसके अलावा जितना दिया हूँ आई विल प्रीफर की नोबल गैसेस फ्रॉम नोट्स पूरे रट लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीनॉन पर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी साल आया ना आया बट जनरली इससे आता है। ग्रुप 13 में मैंने पहले भी बता दिया था, बोरैक्स, बोराजोल, वो जो पूरा पार्ट था, डाइबोरेन, ये सब पूरा पार्ट ग्रुप 13 में, बोरैक्स, बोराजोल, डाइबोरेन, बोराजीन जो सब भी था, ठीक है। जितने भी एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स, जैसे कौन कौन, टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, पॉलीमेटा, HNO2, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, सबके स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए लास्ट में मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स भी दे दिया, ठीक है। ये पहले कर लेना, और उसके बाद जो मैंने बता दिया उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट कैसे करना है, एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट। अब तुम बोलोगे कैसे करना है, तो मैंने तुम लोगों को बेस्ट तरीका बता दिया, ये तो है ही टॉप में। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में जो जो पहले मेंशनड है मेरे नोट से पढ़ाई कर लो, मतलब एनसीईआरटी प्लस नोट्स। ये एक तरीके से क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। और हाँ, इनफ नोट्स इज मोर देन इनफ। उसके बाद बुक्स सिर्फ दो करने जो बता रहा हूं, एक पेज बुकलेट आराम से करो, ठीक है, प्लस तुम्हारे ऊपर है तुम जो बुक देना चाहते हो, यू कैन गो फॉर वीके जायसवाल, या तो ये या फिर कपिल वाधवान, जो तुमको मन हो। इनफ है फॉर इनऑर्गेनिक, इट इज इनफ। मैं अपने हिसाब से अगर बोलूं तो बहुत इंफॉर्मेशन है, मतलब मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बुक आ जाएंगे नोट्स के, फिर भी 100% तो कोई आइडियल केस होता नहीं है, इसीलिए तुमको कोई एक किताब करना ही है, चाहे वो वीके जायसवाल करो या कपिल वाधवान करो, और पेज बुकलेट तो कर ही दो। ये ठीक है, किसी कुछ पूछना है इसमें? सर आप हर ग्रुप के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हो? हर ग्रुप में यार देखो, हर ग्रुप में जनरली ग्रुप 13 सबसे ज्यादा पूछा है, बाकी हर ग्रुप में यार ऐसे कुछ डिसाइड वाला काम नहीं, मतलब ऐसा कुछ जो मतलब जो आना ही चाहिए, मतलब नहीं वैसा कुछ। देखो जैसे वही बोले जो आना चाहिए उसमें मैंने बता दिया, ये नोबल गैसेस से मैक्सिमम, ये वाला पार्ट से मैक्सिमम हर साल, और ये एसिड्स के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो आना ही चाहिए वैसा कुछ डिफाइंड नहीं है। इसीलिए तुम लोग देखो सबसे बेस्ट तो मैंने बता ही दिया, एनसीईआरटी बहुत पतला किताब है यार एज कम्पेयर टू नोट्स। तुम पहले एनसीईआरटी उठाओ ना, उससे पतला तो नहीं जाओगे ना यार, एनसीईआरटी से भी हम नीचे क्यों जा रहे हो, एनसीईआरटी तो पूरा ही करना है। और एनसीईआरटी में देखो तुम एनसीईआरटी देखोगे तो ClO2 नहीं मिलेगा जो मैंने बताया है, तुमको बहुत सारे रिएक्शंस नहीं मिलेंगे, तो तुमको अगर ये वास्ट लग रहा है तो एनसीईआरटी से पहले उठाओ। अब एनसीईआरटी से नीचे मतलब मैं नहीं प्रिफर करूंगा कि एनसीईआरटी भी छोड़ दें, समझा? हाँ बोलो सर। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होंगे ना जो आपके नोट्स में एनसीईआरटी में नहीं है? हाँ वो बहुत सारे हैं, बहुत जैसे मैंने बताया बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ अमोनिया है, फॉस्फाइन है, और फॉस्फाइन में भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने फॉस्फाइन में भी अच्छा खासा होम्स सिग्नल, उसमें अगर ओजोन है तो टेस्टिंग ऑफ ओजोन नहीं है, तो इसीलिए देखो मैं वही बोल रहा हूँ। और बहुत जैसे ClO2 नहीं है, Cl2O6 नहीं है, ये सब जितने सारे रिएक्शंस हैं ये सब नहीं है उसमें, बहुतों को मिलेगा कि रिएक्शंस उसमें नहीं है, लेड के रिएक्शंस नहीं है, हम लोग लेड के भी किए हैं, हम लोग ने टिन के भी कुछ कुछ किए हैं, तो वो सब जनरली उसमें नहीं है। लेकिन देखो एक चीज ध्यान से सुनो, सबसे पहले गोल अगर हाई बनाना चाहते हो तो पहले एकदम छोटा सा गोल मत बनाओ। मेरा मानना है एम फॉर हाई, तुम्हारा अभी हालत ऐसा नहीं है तुम लोगों का कि अगर एग्जाम एडवांस का मई में है तो तुम कवर अप नहीं कर पाओ पूरे नोट्स। मेरे ख्याल से अगर स्ट्रेटजी चला जाए तो ये गड़बड़ी है अगर सोच रहे हो कि शॉर्टकट बता दीजिए। भाई जो आईटी में टॉप रैंकर्स है ना तुम, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ के गए, लिखित ले लो, वो एनसीईआरटी किए हैं कंपल्सरी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रखे, तो ये एक स्ट्रैटेजी वाइज करो। इसीलिए तुम लोग को बेस्ट मैंने बता दिया, स्टार्टिंग में इतना नोट्स नहीं हो रहा है,
स्टार्ट विद एनसीईआरटी साथ रखो और जो चीजें वो मेंशन किया है वो नोट से पढ़ाई कर लो, जो चीजें उसने मेंशन नहीं किया उसको इनिशियली छोड़ दो। कम से कम इस राउंड में एनसीईआरटी और नोट्स तो हो जाएंगे। सर दिस इज हाउ यू प्रोसीड। हाँ सर, 12th बोलो, 12th एनसीईआरटी करना है ना? नहीं दोनों है ना, 11th 12th। अच्छा दोनों में चैप्टर्स बटे हुए हैं मतलब? हाँ दोनों में बटे हुए हैं। देखो एनसीईआरटी तो करना ही करना है, लेकिन मैं तुम लोग को वो बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये क्यों सोच कर चलूं कि यार सिर्फ आईटी में अच्छा रैंक नहीं मारना है। मैं तो जब एज अ टीचर तो मैं ये चाहूंगा ना जितना रैंक के लिए पढ़ाई कर सको। और अभी अक्टूबर का फर्स्ट वीक में पी ब्लॉक खत्म हो गया है, तो क्या नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस महीने में आप पूरा खत्म कर सकते हो एनसीईआरटी प्लस नोट्स? ये मतलब मेरे हिसाब से कौन सा अटेम्प्ट सर? हाँ बोलो सर, मेंस में सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा कि जो एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स है उसमें से भी आएंगे? देखो यार वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई फिक्स है कि एनसीईआरटी से एकदम सिर्फ आता है। ये एक कंपटीशन है, हो सकता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ दे, 10 में से क्वेश्चन में से 8 एनसीईआरटी, बट वही 2 जो पूछ दिया वही रैंक मार लेता है। सर तुम ये केस नहीं कर सकते ना एग्जाम को, ये केस नहीं कर सकते एग्जाम को ना कि भाई। हाँ तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर जनवरी का एग्जाम के लिए पहले क्या करें, तो मैंने बता दिया सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो बना एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी और नोट्स कवर अप कर लो। ऐसी तुमको दिखेगा कि मेरे नोट्स में से 50% करना होगा या 60% करना पड़ेगा। करो, तुमको अगर यही टेंशन है तो तुम पहले यहीं से स्टार्ट करो। मैं तो बोल रहा हूँ वहीं से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी उठाओ, नोट जो जो एनसीईआरटी मेंशन किया है वो नोट से पढ़ाई कर लो, बट गोल को अच्छा बनाओ। गोल इज इतना टिमिड गोल नहीं होना चाहिए कि सर शॉर्टकट बताइए, आपके पास बहुत महीना है। अगर एडवांस की बात करें, और मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल जनवरी के मेंस को मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, और जनवरी का मेंस छोड़ो उसके बाद एक फिर से एक अटेम्प्ट है, उसके लिए तो आपके पास समय है ना यार। उसके बाद तो आपके पास समय है, उसके पास तो आप नहीं बोल सकते ना कि समय नहीं है, अच्छा खासा समय है। करने का तरीका डेली हाफ एन आवर बैठो ना, डेली हाफ एन आवर बैठो, एक पेज पढ़ाई करो, नेक्स्ट दिन उस पेज को रिवाइज करो, हाफ एन आवर और करो करो अंत तक, आराम से हो जाएगा। तुम देखोगे दिसंबर तक ही खत्म हो जाएगा, सिंसियरली बैठो तो। लेकिन ऑन टॉप में एनसीईआरटी तो मस्ट है, लेकिन तुम लोग जब ये ऐड कर लेते हो कि सर सिर्फ वहीं से आएगा क्या, अरे भाई इसका कौन गारंटी दे सकता है? ये भगवान भी आके गारंटी नहीं दे सकता है कि सिर्फ वहीं से आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है ना। ये तो एग्जाम है, एग्जाम में तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम वहां से आएगा। एनसीईआरटी छोड़ करके बेवकूफी मत करो, ये बोल रहा हूँ। और एनसीईआरटी को मेरे नोट से मिलाकर पढ़ाई कर लो। अगर उसने ओजोन मेंशन किया तो तुम ओजोन के बारे में सब कुछ जानो जो मैंने नोट्स में लिखाया है, सब कुछ। टेलिंग नहीं लिखा है तो भी जानो कि क्या होता है, तुम सब कुछ जानो। अगर उसने PH3 मेंशन किया तो तुम सब कुछ जानो, होम्स सिग्नल जानो, PH3 का रिएक्शन जानो, नोट से जानो, इतना तो कर सकते हो। चलो आगे बढ़े अब शॉर्ट एनालिसिस में, ठीक है? बुकलेट करना, बुक्स भी बता दिया, सिर्फ 2 किताब करना है। पेपर्स तो पेस बहुत लेगा, तो टेस्ट तो देते ही रहोगे। 2 किताब करो, पेस बुकलेट एंड एनी कपिल वादा या वो जो भी तुम वो वीके जायसवाल एनी। और कोई अलग से रहे तो मुझे डाउट्स व्हाट्सएप करते रहना कुछ अगर लगा, बट अगर सही से करोगे तो मैक्सिमम नोट्स के अंदर है, बहुत ज्यादा नोट्स है। चलो शॉर्ट एनालिसिस में कहां तक पहुंचे थे? ड्राई टेस्ट कंप्लीट किया था और वो चार्ट भी बता दिया था ना? हाँ वो चार्ट जस्ट बनाया था, चार्ट। अच्छा इधर देख लो पहले। अच्छा वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग वेट टेस्ट में क्या करते हैं, ग्रुप रिएजेंट डालते हैं, ठीक है? अच्छा इधर देख लो, तो ग्रुप 1A वाले कौन से थे जिसमें डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HCFO डाला जाता था? तो पहले तो ये लिख लो, कि इसमें जब डाइल्यूट HCl या H2SO4 डालेंगे वहां तक याद आ रहा है ना सर? हेडिंग क्या है टॉपिक का? हेडिंग तो यार वेट टेस्ट ही हेडिंग था, तो यही कंटिन्यू कर लो यहां से, वेट टेस्ट।
सही अभी आप ग्रुप उसमें डिवाइड किया है क्या? हाँ हाँ वो याद है, वहां तक तो याद है कि नहीं कि वहां से स्टार्ट करना पड़े? याद है कि हम लोगों ने दो ग्रुप्स बनाए थे, कुछ ग्रुप है ना बनाए थे ना, ग्रुप बने ठीक है हाँ, और सब हाँ सब ग्रुप टू है हाँ। ग्रुप वन ए में और रिएजेंट डाले थे, ग्रुप वन ए वो थे जो मैंने लिखाया था कि वो डाइल्यूट HCl या H2SO4 यूज कर सकते हैं, उनके साथ वो वोलेटाइल गैस देते हैं। अच्छा इनके साथ कौन सा गैस मिलेगा बताओ? ये H2CO3 देंगे और H2CO3 डिकम्पोज करके क्या CO2 और HS हाँ ये ग्रुप वन है हाँ, इनके इनके साथ क्या देगा? अभी सबके बारे में स्टडी करेंगे, पहले मैं तुमको ये बता दे कि करते क्या क्या चीजें इवॉल्व होती हैं, फिर अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो इंडिविजुअली लेंगे सब। SO2 कैसा स्मेल करता है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सर आपका आवाज कट रहा है सर। हाँ हाँ अभी आ रहे आ जाएगा अभी तो क्लियर होगा, ये सब सिंपल है। रुको आवाज आ रहा अभी? हाँ सर पहले लिख लो कौन कौन से गैसेस इवॉल्व होते हैं, फिर इसको डिटेल में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है यार, तब से नेट बार बार क्यों जा रहा है सर? जैसे आप लिखते हो तो वैसे नेट बंद हो जाता है। आवाज आ रहा है? पता नहीं जैसे ही लिखता हूँ। हाँ भाई रुको, कहाँ तक लिखा था? ये लिख लिया था ना H2O CO2 लिख दिया था, S वाला रिएक्शन लिख दिया था, लिख लिया था ना सर। सेकंड वाला बता सकते हो सर? कौन सा सेकंड वाला? ये था नेट कनेक्शन सही है क्रिस, कोई गलत नहीं है नेट कनेक्शन में, देखिए कर। सेकंड वाला ये है, दोनों लिख देता हूँ, इसमें डाइल्यूट डालोगे
SO2 बनेगा। SO2 किसका स्मेल करेगा? या फिर HCl भी डाल सकते हैं, ठीक है? ये क्या बनेगा? अच्छा NO2 माइनस में प्लस डालेंगे तो क्या बनेगा? पहले ही HNO2 बनेगा जो डिकम्पोज कर जाएगा, अनस्टेबल होता है और डिकम्पोज कर जाएगा और NO2 गैस मिलेगा। हाँ सॉरी, इसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं, ये बनाता है Cl- प्लस H2S2O3 और ये भी डिकम्पोज कर जाता है एसिड जो है व्हाइट टर्बिडिटी। सर हाँ बोलो, लास्ट वाला रिएक्शन H2SO4 के साथ भी चलेगा? हाँ बोलो, तो लास्ट वाला जो H2SO4 के साथ भी चलता है, लेकिन हम लोग जनरली दोनों में सल्फर सल्फर रहता है तो कंफ्यूजन हटाने के लिए थोड़ा हम लोग नहीं का डालते हैं, लेकिन चलता तो वही है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने डाइल्यूट HCl लिख दिया वहां पर, बिकॉज दोनों में सल्फर सल्फर है तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर देता है, वो खुद भी एक प्रेसिपिटेट है, इसीलिए तुम ज्यादातर डाइल्यूट HCl यूज करते हो, चलता दोनों है, सभी में दोनों चल रहे हैं, बट तुम किताबों में ज्यादा डाइल्यूट HCl देखोगे ज्यादा बेटर, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, ये जितने भी ये सब उठता है एनर्जी कहां से आता है? आपका वॉइस नहीं आया क्लियर। हाँ मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एक चीज नोट करना, ये जितने भी चीजें हैं जैसे H2SO3 टूट गया H2O और SO2 में, आवाज आ रहा है? CH3CO एसिटिक एसिड कभी देखे हो? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बट उसको भी देखो मैंने गैस दिखाया है, ये सब एनर्जी कहां से आ रहा है?
ये सब एनर्जी आता कहाँ से? कुछ आइडिया? नहीं मैंने हीट नहीं किया है, ग्रुप रिएजेंट में हीट नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ जो सॉल्ट है उसमें बस ये रिएजेंट डालते हैं खत्म, और कुछ नहीं करते हैं। एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है ना गोज इनटू डिकम्पोजिशन। जैसे कि किसको? H2CO3 को डिकम्पोज करने में जो एनर्जी लगा है, H2SO3 को लगा है, एसिटिक एसिड जो है ना, ये तुम एसिटिक एसिड लैब में अगर देखोगे तो ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट मैंने उसको ऐसे बनाया है विनेगर स्मेल। बेसिकली कहां से एनर्जी आया है इसको पूरा वेपर फॉर्म में ले आने का? H2SO4 का वाटर के साथ रिएक्शन। हाँ मतलब बेसिकली जो भी H2SO4 छोड़ा, ऐसे भी ये नॉर्मली सभी एसिड बेस रिएक्शंस है, तुम एनायन रेडिकल में H+ डाल रहे एक मिनट सर। ये रफ आइडिया है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग हर को डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। बेसिकली हम लोग को ये सब ग्रुप रिएजेंट है ऐड करना है, जो जो गैसेस होता है उसको हम लोग देख लें। हो गया सर। अच्छा सिमिलरली यहाँ पर ग्रुप टू ए में कौन कौन से थे बताओ तो, F माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें याद है कौन सा रिएजेंट यूज किए थे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे ना तो ये HF बनाएगा, फिर से HF कलरलेस गैस। Cl- में डालेंगे तो ये HCl बनाएगा। सर HF कैसे वेपराइज? HF फिर से वही HF का भी वही है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, वही एनर्जी दे रहे हैं, और कोई जनरली रूम टेम्परेचर पे तो ये सब नहीं हो सकते, बट ये इतने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं कि इसको एनर्जी मिल रहा होगा। HCl भी, HCl। अच्छा यहाँ पर कभी कभी अगर MnO2 ऐड करोगे तो आगे देखेंगे Cl2 बनेगा। हाँ Cl2 बनेगा।
अच्छा बी आर माइनस आई माइनस में जब ऐड करते हैं ना, तो यहां पर पहले एच बी आर बनता है और इनको बहुत आराम से ऑक्सीडाइज कर देता है बी आर टू में। तो बी आर टू, बी आर टू रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड लिक्विड, बट देखो मैं उसको गैस बना रहा हूँ। हाँ मैं उसको गैस बना रहा हूँ, इसका मतलब एनर्जी फिर से कहां से आ रहा है, एसिड बेस रिएक्शंस। यहाँ भी आई टू, आई टू सॉलिड होता है, इसको ये बना रहा होता है कि बाकी लोग के साथ भी होता है, नहीं ये इसके, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होता है। एक चीज देखो, मैंने एक चीज बताया था, डायल्यूट H2SO4 इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ओनली एन एसिड, बट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। तो इसका जरूरत है, ये सिर्फ इनके ग्रुप में आप कुछ और मत ऐड करना, ये जो दूसरा ग्रुप है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही चलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी नहीं चलेगा बिकॉज ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। समझ में आया? हाँ सर। ना इसमें कुछ और नहीं। हाँ पहले वाले ग्रुप में डायल्यूट HCl भी चलता है, डायल्यूट H2SO4 भी चलता है, ये अलग बात है H2O3 2- के लिए जनरली, सो एज टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, प्रेसिपिटेट सल्फर का बन जाए, वो भी सल्फर है ये भी सल्फर है, इसीलिए हम लोग HCl ऐड कर देते हैं, बट दोनों चल सकता है। NO3- में जब ऐड करते हैं तो ये HNO3 और ये भी डिकम्पोज कर जाता है। ये बनता है H2C2O4 और ये किसमें डिकम्पोज कर जाएगा, सबको एनर्जी मैंने बता दिया H2O CO2। ठीक है। अच्छा ये एक लास्ट बहुत स्पेशल केस है ये वाला, मतलब अगर बोरेट आयन अगर सॉल्ट का हो तो बेसिकली इसमें सिर्फ एक स्पेशल केस है कि ये जो H3BO3 तो बनता है लेकिन दिस लास्ट पार्ट में आपको एनर्जी डालना पड़ता है क्यू प्लस समथिंग, बाकी सब में कुछ करना नहीं है, मतलब नेट प्रोसेस लास्ट वाले में एंडोथर्मिक है तो जाकर के मिलेगा। तुम अगर बोरेट का सॉल्ट होगा और जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे कुछ नहीं दिखने वाला है, तुमको लैब इंस्ट्रक्टर बोलेगा थोड़ा गर्म करिए हीट में लाइए तो देखिए कुछ मिलता है कि नहीं। अच्छा इसका क्या रीजन होगा सर, मेटाबोरेट बन जाएगा नहीं ये, अच्छा वो ऑर्थोबोरिक एसिड याद आ रहा है सॉलिड फॉर्म में, देयर वाज पॉलीमरिक होता है ना, हाँ याद आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, देखो तो बोरेट है। हाँ तो जैसे कि ये वाला है ना, तो पहले ही वो H प्लस लेगा तो H3BO3 बनाएगा ना, बोरेट आयन कैसा रहेगा, तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा ना वो, अरे जो सॉल्ट हुआ होगा वो तो सॉलिड स्टेट में होगा, सर अगर हीट करेंगे तो B2O3 देता है ना, उतना हीट नहीं, मतलब उसका हीट का टेम्परेचर बहुत ऊपर है, उतना हीट नहीं बोला जा रहा है, क्यों मतलब आप थोड़ा सा बंसन बर्नर वाला वैसा नहीं, मतलब वो भी लैब में देखो, कभी लैब में अगर जाओगे तो सबका अपना एक डोमेन है, बाकी जितने थे ना पहले वाले उसमें तो हम लोगों ने बस डाला था, कुछ नहीं करना है तुमको, बस डाल दो रिएजेंट, हीट भी करने की जरूरत नहीं है, द रिएक्शंस इटसेल्फ आर सो एक्सोथर्मिक कि वो सबको आगे ले जाते हैं। ये BO3 3- पहले हाइड्रोबोरिक एसिड बनेगा, अरे भाई एनायन खींचेगा तो सॉलिड स्टेट में रहेगा ना, और सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए तब ना ऊपर जाएगा, इसीलिए ये लास्ट में थोड़ा एनर्जी देना पड़ता है। ये क्लियर है? डोंट हीट इट टू एकदम रेड हॉट, वैसा मत करो, तुम बस टेस्ट करना चाह रहे हो। हाँ बोलो, मैं ये बोल रहा हूं कि हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि इससे पहले जितने वाले थे ना, ये इनमें बस तुम ग्रुप रिएजेंट डालो, ठीक है, तुमको अपने आप गैसेस दिखाई पड़ेंगे, Br2 गैस, I2 गैस, NO2, CO2,
उनमें कुछ अलग से हीट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है थोड़ा सा आपको गर्म करना पड़ेगा, नॉट थोड़ा सा गर्म, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ही गर्म कर दें, आपको गर्म थोड़ा करना पड़ेगा, यू हैव टू सप्लाई इट हीट, बिकॉज BO3 3 माइनस H प्लस लेगा तो H3BO3 बनेगा, और सॉलिड स्टेट में H3BO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था, तो उस बॉन्डिंग को ब्रेक करना होगा ना, तो ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब इसको छोड़कर के बाकी सब थोड़े एक्सोथर्मिक हैं, बट ये वाला नेक्स्ट स्टेप थोड़ा एंडोथर्मिक। ये क्लियर हुआ लास्ट वाला? क्योंकि वेपर फेज में रहना चाहिए वो, इसलिए। हाँ, तुमको हर का देखो एक टेस्ट में तुमको कुछ दिखाई पड़ेगा यार, कोई वेपर दिखा, अभी हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट में जाएंगे, ये मतलब तुमको एक जनरल आइडिया तो दिख जाएगा ना। अच्छा BR2 के बारे में क्या खास बात है? हाँ बोलो। BO3 3 माइनस के लेफ्ट में ऊपर क्या लिखा है? Q Q एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, Q प्लस समथिंग। अच्छा BR2 रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? BR2 रेडिश ब्राउन गैस निकलता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? लिक्विड। हाँ लिक्विड, तो इसे कंफ्यूज मत करना, मैं वो दिखा रहा हूँ गैस कि वो रूम टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक हैं, रूम टेम्परेचर पे उनको एनर्जी अपना एनर्जी रिलीज करता है। I2 क्या है? ये भी वायलेट गैस की तरह इवॉल्व होता है सर। वो H3BO3 को मतलब बंसन बर्नर वाला टेम्परेचर पे अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? H4B2O7 ही बनेगा? नहीं नहीं नहीं, उतना वो करना पड़ेगा, तो थोड़ा सिंपली थोड़ा सा हीट करते हैं, ज्यादा नहीं, मतलब सिर्फ गैस बनाने के लिए ज्यादा हीट नहीं। हाँ गैस बनाने के लिए ज्यादा नहीं। एक सेकंड सर, ये हो गया? हाँ सर। क्या तरुष जा रहे हो? हाँ हो गया, हो गया ना? तरुष हमेशा भाग जाता है पहले, ज्यादा क्लास नहीं कर पाता है, थैंक यू बोलता है भाग जाता है। अच्छा इधर एक चीज देखना है, कंफर्मेटरी टेस्ट जाने से पहले थोड़े बहुत सॉलिबिलिटी ट्रेंड जान लो, मैंने बोला था बताऊंगा, दे रहा हूं तभी पड़ेगा कौन सॉलिबल प्रेसिपिटेट कौन इनसॉलिबल प्रेसिपिटेट। सर आप लिस्ट देने वाले हैं सर? अच्छा आप एक ग्राउंड देखो ना, दे रहा हूं देखो, दे रहा हूं। सभी कार्बोनेट्स इंस्टॉल होते हैं एक्सेप्ट, ये थोड़ा आगे जलने से पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। अच्छा ये तो मालूम ही है, तो अगर मालूम हो तो NaSCO3 तो इनसॉल्युबल था, तभी तो हम लोग कौन सा प्रोसेस में यूज किए थे, याद आ रहा है? सॉल्वे प्रोसेस ठीक है ना। जनरली ये अभी हम लोग इसलिए जानेंगे बिकॉज अब हम चीजें ऐड करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट में, तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा, सॉल्युबल बनेगा, तो ट्राई लो, इससे तुम लोग का वो सॉल्युबिलिटी वाला भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अच्छा सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे सॉलिड बाइकार्बोनेट्स, याद आ रहा है? हम लोग बताए थे Na+ Na+ K+ Rb+ Cs+ Li+ का किसमें एग्जिस्ट करता है, याद है ना? ये सब Mg+ Li+ ये सब एग्जिस्ट करता है Ca+ Ca2+ सॉलिड, हाँ लिक्विड में, ठीक है? हाँ सर। अरे यार क्या, ठीक है क्लियर?
ऐसे तो बहुत सारे हैं बट ये थोड़ा जान लो, ये जो लिस्ट दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट वाले हैं इतना जान लो, बाकी कुछ अलग से आएगा तो हम लोग करेंगे ही बट इसमें मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट तो ऐसे तो दुनिया भर के हैं, पूरा याद नहीं रख सकते हो, इम्पोर्टेंट याद रखना। अच्छा एक तो याद रखना ना, रिलेटिव ट्रेंड तो याद ही है तुम लोगों को, कैसे करते थे बता दिया था, अगर पोलराइजिंग पावर देखना है कि क्या देखना है तो रिलेटिव ट्रेंड और एक्सेप्शन आप लोग जीआईसी में देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये उसके लिए सर ये जनरल ट्रेंड है, सल्फाइड्स होते हैं Na+ K+ ये आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, एकदम ध्यान से पढ़ाई करना इसको आईटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक मिनट। हो गया। हो गया। ये भी लिख लो एक, जो भी पॉइंट आए। अच्छा S माइनस एंड पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीसल्फाइड जानते हो क्या होता है, लंबे लंबे चेन्स बनते हैं, S3 टू माइनस S4 टू, जैसे एग्जांपल सोडियम बनाता है पॉलीसल्फाइड्स, ये सुने होंगे एक रिएक्शन कर किए थे हम लोग तो वहां एक्सेस लिए थे तो Na2S5 बनता था, जितने भी ये हैं ऑल सॉल्युबल।
सर AgNO2 के बारे में लिख लेना, दिस इज पार्शियली सॉल्युबल। पार्शियली सॉल्युबल का मतलब कि इसको थोड़ा सा प्रेसिपिटेट बनेगा। ये तो आयनिक में की हो गया ना, तो कुछ पार्शियली सॉल्युबल भी होते हैं सर। जो पहला पॉइंट वाला है, सिक्स्थ वाले, वो सब में सॉल्युबल होते हैं? हाँ सबके। अच्छा नाइट्रेट्स के बारे में एक खास बात है, जितने नाइट्रेट्स हैं दुनिया में सभी सॉल्युबल हैं, बचा यही एक अकेला एक्सेप्शन है। अच्छा BiO+ याद है और कहाँ आया था, याद आ रहा है कहाँ पर आया था? पार्शियल हाइड्रोलिसिस ना, इसमें भी। और यही कारण है, मेटलर्जी तो अभी हुआ नहीं है, कोई भी ओर जो है ना वो नाइट्रेट ओर नहीं होते हैं। दुनिया में जितने नाइट्रेट्स हैं, चाहे वो लेड का भी नाइट्रेट क्यों ना हो, लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर सॉल्युबल। और नाइट्रेट सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ अभी ये बोल रहा हूँ, जितने अभी जितने नाइट्रेट हैं, जितने भी नाइट्रेट्स हैं, ये सब के सब पानी में सॉल्युबल है सिवाय इसके जो मैंने दिखाया है। और इसीलिए नाइट्रेट ओर्स नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ूं? यस नाइट्रेट ओर्स आर नॉट फाउंड। अरे पृथ्वी के अंदर इतना पानी मौजूद है, वो नाइट्रेट का ओर हो नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रेट के नाइट्रेट ओर्स, ऑल नाइट्रेट एक्सेप्ट जो लिख दिया था मैंने, एक्सेप्ट ये, आर सॉल्युबल। देयरफॉर नाइट्रेट्स आर नॉट फाउंड। ठीक है। अच्छा और कौन सा बचा, जो भी पॉइंट लिख लेना। Cl- माइनस ऑल सॉल्युबल। सर पहले का पेज में वो BiCl3 वाला रिएक्शन, वो नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस मैंने बताया कि कहां पर BiO+ बना था। BiCl3+H2 याद है ना, BiO+ बना था। हाँ बताया था, वो याद दिलाने के लिए कि कहीं कहीं देखे हैं ये सबको। सर वो रिएक्शन बताइए ना। वो रिएक्शन ये, सर लेकिन Ag का जो सॉल्ट होता है वो भी तो पार्शियली होता है ना, नाइट्रेट में जब सॉल्यूशन लिखे तो सिल्वर नाइट्रेट डाल होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी ध्यान देना सर, आयनिक इक्विलिब्रियम में। हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम ध्यान दो, ऑर्गेनिक में ध्यान दो यार। अगर तुमको कोई Cl क्लोराइड खींचना होता है तो तुम सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हो, एक्वस AgNO3 इज हाईली सॉल्युबल, तभी तो Ag+ जाकर के Cl को खींचेगा। हाँ सिल्वर नाइट्रेट पार्शियली सॉल्युबल है, वो एक है।
सर जैसे पीबीसीएल टू जो है वो गर्म पानी में सॉल्युबल होता है और ठंडे पानी में इनसॉल्युबल, वैसे पीबीबीआर भी सेम प्रॉपर्टी शो करता है क्या? हाँ 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 वही लिखाने वाला अभी नेक्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ूं? Yes. अच्छा ये पॉइंट ऐड करना भूल गया था मैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीबीसीएल टू पीबीआर टू पीबीआई टू बिकम सॉल्युबल इन हॉट वाटर। और लास्टली चल हो गया।